हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको दे रहे हैं EMRS TGT मैथमेटिक्स के पूरे सभी क्वेश्चन पेपर की आंसर की। यहाँ पर हमने सभी क्वेश्चन बड़ी सावधानी पूर्वक सॉल्व किए हैं, लेकिन फिर भी किसी आंसर में अगर आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो आज हम अभी इसकी आंसर की दे रहे हैं और कल तक इसका पूरा सॉल्यूशन भी हम लाइव क्लास में कराएंगे। तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जब लाइव क्लास में इसका सॉल्यूशन हो तो आप बिल्कुल अपने आंसर को कंफर्म कर लें। तो आज हम इसकी बता रहे हैं आंसर की। तो सभी अपना क्वेश्चन पेपर लेके बैठ जाएं। तो लीजिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने है। तो 41 से लेके 120 तक के क्वेश्चन, यानी 80 क्वेश्चन के यहाँ पर हम आंसर आपको बताने वाले हैं। तो सब 41वां क्वेश्चन है, द चेयरमैन ऑफ कमेटी फॉर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बाज। तो इसका आंसर है फर्स्ट, ठीक है, यानी कि डॉक्टर कस्तूरी रंगन। चलो दूसरा वाला, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ड्राफ्ट में स्कूली शिक्षा के फाउंडेशन स्टेज की अवधि थी। इसका आंसर है तीसरा, 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ड्राफ्ट में स्कूली शिक्षा के माध्यमिक कक्षाओं के लिए कौन सी ग्रेड रखा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 43 का है दूसरा, ग्रेड 9, 10, 10वां और 11वां। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, 44 का आंसर है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ड्राफ्ट में स्कूली शिक्षा में मिडल स्कूल या उच्च प्राइमरी के लिए कितने वर्ष रखे गए हैं। तो 44 का है पहला, 3 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आ गया देखिए 45, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा में फाउंडेशन स्टेज के लिए बच्चों की आयु का कौन सा वर्ग सुझाया गया। तो इसका 45 का आंसर है पहला, 3 से 8 वर्ष, ठीक है। चलो अब देखिए, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है ये पूरा। देखो तो जबकि हम यहाँ पे केवल आंसर आपको बता रहे हैं, तो ये पूरा क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा तो काफ़ी देर लग जाएगी, क्योंकि कल हमें इसका पूरा सोल्यूशन कराना ही है। तो बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े भी जाएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन मिलेगा, अच्छा टाइप करके मिलेगा, तो वहाँ हम पूरा टाइम देंगे। तो यहाँ केवल आंसर बता रहे हैं, तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो 46 का चौथा क्वेश्चन आंसर है, 46 का चौथा। चलो आगे बढ़ते हैं, उसके बाद देखिए 47, 47 का आंसर है चौथा। यहाँ पर सभी आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी आपको किसी आंसर पर डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें, जिससे लाइव क्लास में उसका डाउट को बिल्कुल क्लियर कर लें। 48 का है, 48 का है दूसरा, 21,000। 49 का है पहला, 7,000। 50 का है तीसरा, 21,250। 51 का है चौथा, 14,000। 52 का है तीसरा, 52 का तीसरा, 12:1। 53 का है, 53 का आंसर है चौथा। 54 का है पहला, 55 का आंसर है पहला। आगे बढ़ते हैं 56 की ओर। 56 आप वीडियो को पॉज करके इसे आराम से देख लेना, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन है। 56 का पहला, 57 का भी पहला है 7 मीटर, 58 का पहला शंकु का छिन्नक, यानी कि नेक्स्ट है 59 का पहला 148 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जाते हैं 60 का है चौथा, 61 का पहला, 62 का दूसरा 2:1, 63 का दूसरा, 64 का पहला, 65 का तीसरा, 66 का पहला,
वर्ग 67 का चौथा 32.7 लीटर, 68 का चौथा संधिबाहु समकोण त्रिभुज, 69 का दूसरा 90 अंश, 70 का दूसरा, 71 का दूसरा, 71 का दूसरा, 72 का चौथा, 73 का तीसरा, 74 का पहला, 75 का पहला, 76 का तीसरा, 77 का तीसरा। तो ये इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, ठीक है, 77 में। बाकी तो कल लाइव क्लास में आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। 78 का तीसरा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं जल्दी जल्दी किए गए हैं, हो सकता है किसी क्वेश्चन में गड़बड़ हो गई हो, लेकिन कोशिश की गई है कि सभी क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो। कल जब लाइव क्लास में कराएंगे तो आप सॉल्यूशन भी यहाँ देख पाएंगे। 79 का चौथा, तो लाइव क्लास से जरूर जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। 80 का तीसरा, 81 का भी तीसरा है, -3, 80 का दूसरा यानी कि 36, 82 का दूसरा और 81 का तीसरा था, 81 का तीसरा, 82 का दूसरा, 83 का भी दूसरा है, 84 का है तीसरा, 85 का दूसरा। आगे बढ़ते हैं, 86 का पहला, 87 का चौथा, 87 का चौथा ये वाला, 88 का में क्वेश्चन नंबर 88 में डाउट है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 88 में डाउट है अभी कौन सा आंसर है, कल लाइव क्लास में इस पर डिस्कस करेंगे। 89 का पहला, 90 का तीसरा, 91 का तीसरा, 92 का दूसरा, 93 का चौथा, 95 का, 94 का पहला, 95 का पहला, 295, 96 का पहला, 96 का पहला 0, 97 का चौथा, 80, 98 का दूसरा, 99 का दूसरा 1, 100 का पहला 1, 101 का, देखिए 101 में भी थोड़ा सा डाउट हो रहा है, तो इसमें भी जो है कल लाइव क्लास में इस पर डिस्कस करेंगे। आप लोग जरूर बताएं कि आपको इसका आंसर क्या लग रहा है, ठीक है, तो बाकी लाइव क्लास में कल बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। 102 का पहला, 103 का तीसरा, 104 का चौथा, 105 का दूसरा वास्तविक, 106 का पहला 41,
107 का दूसरा, क्यू क्यू के क्यू, 108 का चौथा, 108 का चौथा एक्स इज ए प्रॉपर सेट ऑफ वाई, 109 का दूसरा, 110 का पहला, 111 का पहला, 112 का दूसरा, 113 का चौथा, 115 का, 114 का चौथा, 115 का दूसरा, टू कोटैक्स, 116 का दूसरा, 10x माइनस कोटैक्स, 117 का तीसरा, एक सम संख्या, 118 का पहला अपरिमेय संख्या, 119 का दूसरा 34, और 120 का पहला माइनस। तो यहाँ पर देखिए हमने 41 से 120 तक के सभी क्वेश्चन के आंसर की आपको बता दी है, और ये जो आंसर की है ऑफिशियल आंसर की नहीं है, इस ऑफिशियल आंसर की आने पर ही फाइनल आप इसको माने। हमने जितने भी आंसर की बताई है काफ़ी कोशिश की है बिल्कुल सटीक करने की, लेकिन फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक हो सकती है क्योंकि कैलकुलेशन में कहीं भी मिस्टेक हो जाती है। और आप कल लाइव क्लास में जरूर जुड़ें क्योंकि लाइव क्लास में जिस क्वेश्चन में कोई डाउट है, किसी आंसर में डाउट है, तो वो सारी बातें क्लियर हो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बाद आप कहीं का भी एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज जिन्होंने दी उनको काफ़ी फ़ायदा इस एग्जाम में मिला है, तो आप लोग भी जल्दी से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें। और आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं टीईटी पीईटी की, तो हमारा ऐप डाउनलोड कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और वहाँ से आप तैयारी शुरू कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।